हेलो, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ विशाखा। दहशत का दूसरा नाम बन चुका कोरोना वायरस ने अब भारत में खौफ भर दिया है। अब तक देश भर में 18 लोगों को कोरोना वायरस होने की पुष्टि हो चुकी है। चीन के रास्ते अब कोरोना वायरस ने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। इटली से आए व्यक्ति और उसकी पत्नी को कोरोना वायरस की पुष्टि होने के बाद से ही चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सा विभाग में एक के बाद एक ताबड़तोड़ उच्च स्तरीय बैठकों का दौर जारी है। इसके साथ ही पर्यटन उद्योग और होटल इंडस्ट्री के लोग भी कोरोना वायरस को लेकर खौफजदा हैं। वहीं देर शाम चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इटली के दोनों मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव की पुष्टि की। 2 दिन से लेकर 14 दिन कोई भी आदमी की बॉडी में अगर कोरोना वायरस प्रवेश करता है तो 2 से 14 दिन का टाइम तो लगता है, उसमें कभी भी इसका इफेक्ट आ सकता है। तो इसीलिए सेकंड टेस्ट किया गया। उस सेकंड टेस्ट में जब पॉजिटिव सिम्टम्स आए तो उसका क्रॉस वेरिफिकेशन, क्योंकि 2 तरह की रिपोर्ट आई हमारी जयपुर की लेबोरेटरी की, इसलिए उसका क्रॉस वेरिफिकेशन कराना जरूरी था। वो हमने भेजा, वो पॉजिटिव निकला। उनकी वाइफ की जो उनके साथ है वो भी उनके साथ ही यात्रा कर रही थी, उनके भी सैंपल टेस्टिंग हुई और वो भी पॉजिटिव निकली है। साथ ही इटली से आए दंपत्ति के कोरोना वायरस की पुष्टि के बाद सरकार की तैयारियों के बारे में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने जानकारी दी। एक हमने टूरिस्ट डिपार्टमेंट से भी कहा है, पुलिस से भी कहा है कि सारे होटल्स में किसी की भी तबीयत खराब होती है तो वो लोकल डॉक्टर्स को थ्रू रिसेप्शन बुलाते हैं। जो बाहर से टूरिस्ट आता है जानता तो है नहीं लोकल डॉक्टर्स को, वो वहीं से डेस्क से उसमें कॉन्टेक्ट करता है। तो हमने ये कहा है कि डॉक्टरी सुविधा तो उनको कराएं लेकिन उस केस को इमिजिएटली रिपोर्ट करें। तो उनमें जो अपने नंबर हैं यहाँ पर इमरजेंसी नंबर्स, उसका भी प्रचार प्रसार करके 104 और 108 का, तो वो उसके ऊपर वो तुरंत ही सूचना दे दें ताकि वो अनडिटेक्टेड नहीं चला जाए केस। वहीं इटली से आए दंपत्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद देर रात जयपुर के SMS अस्पताल से 9 और संदिग्ध मरीजों को प्रताप नगर स्थित RUHS में शिफ्ट किया गया। इस शिफ्टिंग के साथ ही जहां अस्पताल प्रशासन, मेडिकल कॉलेज प्रशासन और चिकित्सा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, साथ ही इससे स्थानीय लोगों को खतरा पैदा हो गया है जिसे लेकर अब विरोध भी शुरू हो गया है। सांगनेर से विधायक अशोक लाहोटी का कहना है कि आबादी क्षेत्र है, इन मरीजों को कहीं और शिफ्ट किया जाए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने इटली, ईरान, दक्षिण कोरिया और जापान के नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। खैर, ये वक्त ही बताएगा कि सरकार कोरोना वायरस से निपटने के लिए कितना तैयार है। हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करें और भी अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।